भाई, अगर आपके घर में दिन रात बस कलेश ही कलेश हो रहा है, हो सकता है आपके बेडरूम में या जहां पर आप सोते हैं वहां पर कोई ऐसी मूर्ति रखी हो जो इसका कारण हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, देख रहे हैं आप वैदिक टीवी राधे राधे। सभी का स्वागत हाथ जोड़कर करती हूँ, मेरा नाम है मेघा। हिंदू शास्त्र की तरह ही वास्तु शास्त्र का भी बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं घर में रखी चीजें सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। ऐसे में घर में रखे सामान को सही दिशा और सही जगह पर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के जानकार कहते हैं घर का हर कोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किचन से लेकर बाथरूम, बेडरूम, सभी में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आज आपको बताते हैं बेडरूम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर गलत रख देते हैं या गलती से आपने रख लिया है तो फिर वो घर में ग्रह कलेश का कारण बन जाते हैं। बेडरूम में हमें कभी भी भगवान की, नदी, तालाब, झरने की या किसी भी हिंसक जानवर की तस्वीर नहीं लगानी है। ऐसा करने से घर के रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही घर में कलेश और हिंसा भी बढ़ने लगती है। अगर आपके बेडरूम में किसी भी कोने में कोई फाउंटेन या फिर कोई एक्वेरियम रखा है तो वो भी न रखें। वास्तु कहता है कमरे में ज्यादा पानी की चीजें आपके रिश्तों में विश्वास को कम करती हैं और शक को बढ़ावा देती हैं। आप रात के वक्त एक पानी की बॉटल और ग्लास जरूर रख सकते हैं, और जिनका घर ही एक कमरे का हो तो वो ऐसी तो जगह होगी जहाँ पर वो सोते होंगे, तो वो आपका सोने का स्पेस हो गया। वहाँ पर भी आप इन चीज़ों की थोड़ी देखाभाली कर लें। घर में पति पत्नी के बीच जो संबंध बरकरार रहे, मधुर रहे, इसलिए आप अपने बेड को, अगर बेडरूम में कोई खिड़की है और वहाँ पर आपने बेड लगा रखा है तो बिल्कुल वहाँ से हटा लें। बेड खिड़की से चिपका नहीं होना चाहिए, इससे रिश्तों में तनाव हो सकता है और आपसी सहयोग की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। फिर बेडरूम में अगर आपके शीशा लगा है तो वो आपके बिस्तर के एकदम ठीक सामने ना हो। वास्तु कहता है सोते हुए खुद का रिफ्लेक्शन देखना, यानी खुद को शीशे में देखना अच्छा नहीं होता। इससे बचने के लिए आप शीशे को उत्तर या फिर पूर्वी दीवार पर लगा दें। आप बेडरूम में ही शीशा लगाना चाहते हैं तो आप उत्तर या फिर पूर्वी दीवार पर लगा दें। भाई, अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, रात को बुरे सपने परेशान करते हैं, वो हो सकता है कि आपका बेड और उसके आसपास गंदगी हो गई हो। हमेशा आप अपने बिस्तर को उठने के बाद साफ करें, और जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं तो देख लें अगर वो गई से गंदा है, ठीक ठाक नहीं बना हुआ, तो उसे साफ कर लें। पति पत्नी को भी गंदे बिस्तर पर नहीं सोना है। वैसे तो गंदे बिस्तर पर किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता ही आएगी। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और काम की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।